हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। एक जो स्टूडेंट्स का नॉर्मल क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि क्या सर मैं CSIR नेट एग्ज़ाम 2 महीने में क्रैक कर सकता हूं? वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कहीं ना कहीं अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो यार बहुत ईजीली आप कर सकते हैं। पर नॉर्मली स्टूडेंट्स का ये होता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आप लोग जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं थ्योरम के प्रूफ्स और वो देखते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉलेज में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर्स होते हैं उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हाँ एग्जाम से हिसाब से, प्लस स्टूडेंट का एटीट्यूड भी यही होता है कि यार वही पढ़ना जो एग्जाम में आता है और उसी टाइप से हम लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं 2 महीने में इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप नहीं कर सकते, भैया आप कर भी सकते हो, पर आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। होता क्या है, स्टूडेंट 2 महीने के अंदर जैसे ज्वाइन करता है उसके बाद अलग अलग, जैसे अनअकैडमी में देखता हूँ कि मेरे कोर्सेज पुराने रिकॉर्डेड देख रहा है, प्लस ये भी पढ़ रहा है वो भी पढ़ रहा है और एक साथ 2 महीने में इतनी चीज़ें करने की कोशिश करता है कि वो एक भी चीज़ को ढंग से नहीं कर पाता है। अगर आपने CSIR नेट की तैयारी अभी शुरू करी और आप सोच रहे कि जून एग्जाम को मैं बेहतर तरीके से दूँ, इसमें मैं अच्छा स्कोर करूँ, तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि यार आपको यहाँ पे प्रेशर नहीं लेना है। स्टूडेंट को क्या होता है कि यार 2 महीने की मेरे को किसी न किसी तरीके से ये जून वाला एग्जाम क्रैक करना ही करना है और उसके चक्कर में पता नहीं अलग 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 कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, आप ये वाला सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं और साथ में कोशिश करें कि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पर उस जल्दी जल्दी के चक्कर में आपके जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो CSIR नेट एग्जाम होता है वहाँ पे जो कंसेप्ट पूछे जाते हैं वो थोड़े से इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब 2-3 चीज़ें एक साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है और कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो एग्जाम में रिपीट नहीं करता है। तो ऐसा नहीं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करना पड़ेगा, वो स्किल अगर अच्छी होगी तो आप 2 महीने में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो यार एक सबसे पहली बात यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि परफेक्ट व्हाट यू ऑलरेडी नो, जो भी आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ रखा है ग्रेजुएशन लेवल पर, आपको लगता है कि यार हाँ मैंने MSc टाइम पे भी इसको अच्छे से कर रखा है, लीनियर अलजेब्रा मैंने अच्छे से कर रखा है, ग्रुप थ्योरी मेरे को आता है, तो जो आपको आता है उसको थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करो। हम स्टूडेंट्स के अंदर देखते हैं कि ठीक है यार ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर लूंगा, चलो मैं ये नए टॉपिक और पढ़ लेता हूँ। भैया नए टॉपिक पढ़ने का समय नहीं है अब, है ना? अगर आप 2 महीने पहले अपने एग्जाम की तैयारी शुरू करिए तो जो आपने ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ रखा है उसको आप अच्छा करने की कोशिश करिए। नया टॉपिक मत चूज करिए, क्योंकि नया टॉपिक कहने के 2 महीने में आप नहीं कर पाओगे। हाँ कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट्स अगर आप लर्न करना चाह रहे हैं जैसे कि LPP है या मार्को चेन है तो वहां पे सेलेक्टेड कंसेप्ट्स आप आराम से 1-2 क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। पर पूरा एक नया टॉपिक जो कि कभी आपने MSc पे पढ़ा ही नहीं है उसको अगर आप शुरू करने की कोशिश करेंगे तो यार आपको तकलीफ आना स्टार्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है जितनी उधर लगाओगे उतनी अगर आप एग्जिस्टिंग टॉपिक को अच्छा करने में लगाओगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें डेली कम से कम आपको आधा घंटा जनरल एप्टीट्यूड पे देना है। मैं नए स्टूडेंट में देखता हूं कि वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं पर जनरल एप्टीट्यूड पे फोकस नहीं करते, वो सोचते हैं यार एग्जाम में देख लेंगे, पर कहीं ना कहीं 30 मिनट आपको जनरल एप्टीट्यूड पे देना चाहिए रोज। अब आप बोलोगे सर 30 मिनट में करें क्या, तो यार आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा देखना है किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम आए। अगर आप चाहें तो मेरे यूट्यूब पे जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोस दिख जाएंगे जहां पर मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको टॉपिक वाइज अच्छे से करा रखा है, तो यार वो ITAP पे आपको जाके दिख जाएगा। वो थोड़ा सा आप 30-30 मिनट रोज देखते रहिए और जो इंपॉर्टेंट फार्मूले उसको शॉर्ट नोट्स में बनाते रहिए। सॉल्व क्वेश्चन विद द इंटरलिंक कॉन्सेप्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि CSIR नेट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं उसके अंदर डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा या रियल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से आपको पता होने चाहिए, है ना? प्लस यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल आपको बताना चाहिए। जैसे आप रियल आंसर्स की बात करें तो हर थ्योरम का कहीं ना कहीं काउंटर एग्जाम्पल होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ग्रुप थ्योरी है उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल्स होते हैं, तो यार वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? खैर मैंने अपने YouTube पे काफी सारा काम कर रखा है, वहां से भी आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट जो बात है वो है कंसिस्टेंट रिविजन। ये कंसिस्टेंट रिविजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप डेली चीजों को पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं नया नया पढ़ते हैं और जो रिवीजन होता है उसको लगता है यार टाइम वेस्ट हुआ मेरा, है ना? भैया जो रिवीजन करना है उसको टाइम वेस्ट ना काउंट करें आप, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं अरे यार रिवीजन करना मतलब टाइम वेस्ट करना है, मैं नया कुछ पढ़ लूं इतनी देर में। भैया जो है उसको रिटेन करना भी जरूरी है दिमाग के अंदर। जब तक आप डेली रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा वो, जब एग्जाम में आप दोगे ना तो आपको वो रिकॉल नहीं होगा, तो रिकॉल करने के लिए आपको कंसिस्टेंटली रिवीजन करना जरूरी है। पास्ट 10 ईयर के PYQs जरूर आप देख लीजिए, है ना? जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ लिया, पुराने 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स आप देख लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और बहुत बड़ी चीज होती है वो है मॉक टेस्ट देना। अब बच्चों का आता है सर मॉक टेस्ट कहाँ से दें, तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं।
इस दिन अमेजोन पे मेरी कॉम्बैट सीरीज बुक अवेलेबल है फॉर CSIR नेट एंड IIT जेम। अगर आप चाहें तो इन बुक से भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज दे रखा है, प्लस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इनका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएगा। तो यार ये आपको करना चाहिए। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि 2 महीने में अगर मेहनत करें आप कंसिस्टेंसी के साथ और सही डायरेक्शन में, और जो टॉपिक आपको अच्छे तरीके से आता है उसको परफेक्ट करने की कोशिश करें, तो आप बिल्कुल 2 महीने में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जो स्टूडेंट पिछले 6 महीने से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको भी 2 महीने में यही स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो शॉर्ट नोट्स बना के रिविजन करना होता है, और जो जनरल एप्टीट्यूड पे कहीं ना कहीं 30 मिनट आपको डेडिकेट करना चाहिए, प्लस नया टॉपिक यहाँ पे नहीं छेड़ना चाहिए, नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। हम लोग नए नए पढ़ने के चक्कर में जो पुराना है उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं। उतनी एनर्जी जो हमने पढ़ा है, जो हमको परफेक्ट आता है, उसमें लगानी चाहिए। वो आप अच्छे तरीके से करेंगे तो इस एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यूनिट नंबर 1 के अंदर लीनियर अलजेब्रा रियलिसिस, जिसके अंदर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा पे सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। हाँ, कुछ इंटरलिंक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 की बात करें तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, प्लस जिसे शेवाज लेमा है, आइडेंटिटी थ्योरम है, ओपन मैपिंग थ्योरम है, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल है, एनालिटिसिटी है, एनालिटिक फंक्शन है, एंटायर फंक्शन है, सिंगुलैरिटी है, इन सभी टॉपिक्स पे अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी है, यहाँ पे काउंटर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, प्लस कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए इसमें कर सकते हैं। जो थर्ड यूनिट होता है, बच्चे इसके अंदर बोलते हैं कि इसमें बहुत कैलकुलेशन होती है, जैसे OD है, PD है, इंटीग्रल इक्वेशन है, COV है, न्यूमेरिकल क्लासेस है, इनमें सीधे सीधे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। और नॉर्मली जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पास्ट ईयर में पूछे जा रहे हैं वो एक जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा स्कोरिंग यूनिट है थर्ड यूनिट। अगर आप इसको बेहतर तरीके से करेंगे तो आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें मैं आपको